जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला एक युवक ने अपने पड़ोस की रहने वाली एक लड़की को अगवा कर लिया और अपने दोस्तों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। हालांकि इस घटना के 24 घंटे बीत चुके हैं। उधर पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और इस कांड के मुख्य अभियुक्त 35 वर्षीय मोहम्मद शमशीर और 25 वर्षीय मोहम्मद निजाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाले ही बताया जा रहा है। वैसे गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ की गई और दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उधर मेडिकल जांच में यह साफ हो गया है कि युवती के साथ दुष्कर्म हुआ है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।